जहां महकमा जात की बात कर रहे हैं वहीं पे आज हम बात करना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर महकमा बानीहाल के अंदर कुछ जमीन जो है पिछले कई सालों से जो है कई लोगों के कंट्रोल में पड़ी हुई है, और इस सब पर बात करने के लिए हमारे पास एग्रीकल्चर के ऑफिसर मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महकमे ने जो है वो जमीन 11 कनाल 11 मरला जो है अपने कंट्रोल में की है या अभी भी किसी वीरानी के मंजर में महकमे की जमीन है। सर, सीधा सा सवाल मैं करना चाहूंगा, आपके महकमे की जो जमीन है यहाँ पे गुंडठार के इलाके में 11 कनाल 11 मरला है, महकमे ने अभी तक उस जमीन को अपने कंट्रोल में क्यों नहीं किया है? ये जमीन हमारे कंट्रोल में थी, फिर यहाँ पर फोरवे का प्रोजेक्ट आ गया, फोरवे के प्रोजेक्ट वहां से उनको एक अपोज रोड देना पड़ा जिसमें उन्होंने 3 कनाल 3 मरले एक्वायर करके अपने कंट्रोल में ले लिया। उस टाइम उन्होंने वहां पर बहुत सारा उसको डिस्टर्ब किया, उन्होंने 2 जगह से रास्ता उतारने की कोशिश की जिससे हमारे जो बाउंड्रियां थी वो सारी मिट गई है जी। तो उसके बाद हमने ये मसला टेकअप किया हाई अथॉरिटी से कि हमें इसका दोबारा डिमांड किया जाए कि हमारी लैंड कितनी क्या है जी। उसके यूज हमने क्या किया है कि हमने एप्लीकेशन दे दी है डीसी ऑफिस में, वो 12 होके आई थे यहाँ बानीहाल में हमारे तहसील ऑफिस के पास पड़ी हुई है डिमार्केशन के लिए। तो बहुत टाइम तो उसी दौरान वहां पर एक ऐसा मसला हो गया कि एक जमींदार आया कि उसने वहां पर कब्जा करने की कोशिश की, उसको हमें स्टे लाया हुआ है जी। लेकिन आज तक गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि इसका डिमार्क किया जाए ताकि हमारे जो 11 कनाल 11 मरले लैंड है वो मारा करके हमको दे दिया जाए जी। तो उसकी अभी डिमार्केशन नहीं हुई है जी। एट प्रेजेंट जो वहां पर जो हमारे बाउंड्री है वो डिमार्क नहीं है। लेकिन जब हमने जमीन का वो नेचर जो देखा, लेकिन वहां पर जो है मैं ये कहीं पे महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर की लैंड है, जो आप 11 कनाल 11 मरला देख रहे हैं, जो मैंने मैप देखा या बाकी जो उसमें म्यूटेशन भी हुआ है डिपार्टमेंट के नाम पे, तो डिपार्टमेंट क्यों इतना कमजोर है कि वो अपने 11 कनाल 11 मरलों को जो है पूरी तरह से डिमार्केशन नहीं कर पाए? आप कह रहे हैं कि हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है आज से कई साल पहले अप्रोच किया, तो उसके बाद कितनी बार जो है महकमे के वैसे थे ऑफिसर आप गए कि जहां पर आपने तहसीलदार को कहा, एसडीएम को कहा कि ये डिपार्टमेंट की जमीन है, ये खरीदी हुई है, इसको बाउंड्री जो है पूरी तरह से डिमार्क किया जाए? नहीं, हमारे तो बिल्कुल तहसील ऑफिस में हमारी फाइल पड़ी हुई है, एप्लीकेशन दी हुई है, हमने उसका जीआरपी काटा हुआ है, तो उन्होंने 2-3 बार डेट दिया भी थे लेकिन वो स्पॉट पे नहीं आए। एक बार वो स्पॉट पे आए भी थे तो उन्होंने वहां पर देखा भी था लेकिन उन्होंने अब तक हमको वहां से फाइनल नहीं दिया कि आपकी लैंड कहाँ पर है, क्या वो अब तक वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके जी। तो हम फिर ये कह रहे हैं कि हमारी जो लैंड है 11 कनाल 11 मरले उसको डिमार करके हमारे हवाले किया जाए जी। जो आप बता रहे हैं कि 3 कनाल जो है इस नेशनल हाईवे के उस प्रोजेक्ट में आया है, तो उसका कंपनसेशन जो है दैट हैज बीन सबमिटेड, क्या वो आपके उस अकाउंट में है? नहीं, जो लैंड फोरे में चली गई है उसका मतलब कंपनसेशन मिला हुआ है जी। वो कब हुआ है? वो बस वही जब प्रोजेक्ट हुआ था वो 2017-18 में वो कंपनसेशन मिला हुआ है जी। तो आप क्या मानते हैं ताकि जहां पर 1 कनाल की बात होती है उसमें डिपार्टमेंट जो है एक्टिव रहता है, ये 11 कनाल 11 मरले का मसला है, एपिकल्चर की विंग के साथ ये जुड़ा हुआ है, बी कीपिंग को लेकर जो है लोग बेरोजगार बच्चे जो है चाहते हैं कि कुछ उनके पास लैंड हो, तो उसमें आप बता दिए जहां पर आप कह रहे हैं कि वहां पे प्रोजेक्ट है, तो अगर वहां पे ये पोल्यूशन के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे, महकमा कितनी बार जो है यहाँ पर नवयुगा कंपनी के पास उन्हें अप्रोच किया कि यहाँ पर जो अगर लैंड थी जिसमें होनी बीज को पालने की जो बात थी तो उसमें अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो आप लोगों ने क्या क्लेम किया उस चीज के लिए? गवर्नमेंट ने नवरिया जो मतलब एक एजेंसी है उन्होंने तो अपना लैंड उनसे ले लिया हमारा करके, लेकिन जो रिमेनिंग लैंड हमारी बची हुई है वो हमें आज तक उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं करके दी, हमारा जो हमारी बाउंड्रीज है वो अभी हमें वापस नहीं दी गई जी। तो उसी को अगर वो एक बार आएंगे उसको वो मारा करके हमारे हवाले कर दे ताकि ये भी जो डिस्प्यूट है ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर छोटा सा एक नुक्ता जानिए, जहाँ पर प्रोजेक्ट गुजरता है सोशल फॉरेस्ट ने क्लेम किया कि जनाब आप कटिंग कर रहे हैं, हमारे जो प्लांटेशन है ये तबाह हो रही है, उसमें उनको मुआवजा दे दिया गया। आपका भी एक महकमा बड़ा एसेंशियल है जिसके साथ दर्जनों बच्चे जुड़े हुए हैं, बेरोजगार बच्चे जो मधुमक्खी पालने वाले लोग हैं, तो आपने क्या इनिशिएटिव लिया जिससे कि वो आपका जो एनवायरनमेंट वहां पे जो पोल्यूटेड हो गया, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया? नहीं, इसमें उसमें इस वक्त भी हमारे जो एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा जो उस नर्सरी का जो लैंड है उसका नाम है बी फोरेज नर्सरी जी। वहां पर हम ऐसे प्लांट लगाते हैं जिसमें जो बीज के लिए जो प्लांट होते हैं
क्योंकि फ्लोरिंग वहाँ होती है जी, वो हमारे समझे एक एक रोल मॉडल जैसा होता है, मतलब उसको लोगों को पता चलता है कि इन दरख्त में कब कहाँ फूल आने लगे, उसमें सब भी हमारे दरख्त मौजूद है, लैंड सब वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर एक यही है कि जो फाइनल खासकर जो रोड साइड लैंड है। क्या कंपनसेशन के लिए कुछ क्लेम किया गया कि हमारी नर्सरी जो है ये डिस्टर्ब होगी? कंपनसेशन जैसे मतलब एज पर गवर्नमेंट नाबस तो क्लेम बराबर चला गया, जितना उन्होंने मतलब उसमें डिस्टर्ब हुआ था वो उसका कंपनसेशन बना हुआ है। कितना है वो अमाउंट, हाउ मच अमाउंट दैट इज? अमाउंट का मुझे पता नहीं है क्योंकि उस टाइम में नहीं था, मैं वो कंपनसेशन मेरे से पहले हुआ है जी। नहीं आप प्रेजेंटली तो आप ऑफिसर है, आपने मतलब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया? वो जो मतलब जो लैंड के हिसाब से रेट था सब तो इनको भी मिला हुआ है, दैट इज कंपनसेशन। वो तो है कि लैंड एक्वायर होगी वो 3 करोड़ वो तो देना ही देना है। मैं कहता हूँ कि जब नेचर डिस्टर्ब हो गया आपका जो बी कीपिंग के हवाले से जो आप बता रहे हैं, उसमें कोई क्लेम आपने लिखा कि यहाँ पर ये सिस्टम हमारा जो डिस्टर्ब हो गया? नहीं, उसमें तो हमने मतलब जो पेड़ हमारे कट गए वो तो उसका तो क्लेम उन्होंने लिखा होगा उसमें, मतलब मुझे उसका पूरा इल्म नहीं कि मैं ऐसे बोलूंगा कि उसका कितने प्लांट्स में इन्वॉल्व थे जी, वो फाइल मेरे पास नहीं है। तो उम्मीद क्या रखे लोग, क्योंकि ये जो इदारा है ये सरकार का है लेकिन पब्लिक का है, जो आपका एग्रीकल्चर महकमा इसके साथ जमींदार तबके के लोग जुड़े हैं, उम्मीद क्या रखे लोग कि आपकी 11 कनाल 11 माला जो है उसमें जो 3 कनाल यानी कंपनसेशन आपको मिला है, बाकी जो 9 कनाल है या मतलब 7 कनाल जो रह गए हैं 7.5 कनाल, तो उसमें कब आप डिमार्केशन करने के लिए और प्रोसेस करेंगे? सर मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी इसके लिए मतलब वहां पर एप्लीकेशन दे के रखी है कि जो हमारे रिमेनिंग लैंड बचती है जी उसको डिमार्क किया जाएगी, वहां पर काफी डिस्टर्ब, वहां पर काफी हर जगह से वहां पर थोड़ी अनकमिट हो रही है जी, तब तक ना मतलब रेवेन्यू वाले आ जाएंगे उसको अपना मतलब जो हमारा एरिया वहां पर पड़ा हो उसको वहां से अलग करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन सा, क्योंकि उसमें काफी उनने मतलब कंपनी वालों ने उसमें कुछ मक डाला हुआ है जी। इसकी वजह से चलिए आपने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अप्रोच किया है, लेकिन हम ये कहते हैं कि चीजों को जब इफेक्टिवनेस से जो है जब अप्रोच किया जाता है कि वाकई में जो है ये सरकार की प्रॉपर्टी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, तो अब आप मुस्तकबिल में क्या इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं? इसका एक ही सोल्यूशन है, रेवेन्यू वाले ने आना है उसको डिमार्क करके देना है, जो हमारे लैंड है हम लेके जी। आप कब अप्रोच करेंगे उनको? हमारे अप्रोच के पर डेट अब उन्होंने देनी है, वो तो रेवेन्यू वाले डेट देंगे, कब हमको डेट देंगे, तो इस मामले में हम फिर दोबारा उनको लेटर लिखने जा रहे हैं कि भाई हमारा जो है जल्द से जल्द इसको डिमार्क किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हमारे साथ बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि 11 कनाल 11 मरला जो है एग्रीकल्चर लैंड है नौगाम के इलाके में, जहां पे नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के बिल्कुल साथ में एक अप्रोच रोड भी मिला यानी निकला हुआ है, उसमें 3 कनाल जो है एक्वायर हुई है जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पैसा दिया है, उस रेट के हिसाब से वो भी हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मामला ये थी उसमें बाकायदा जो है म्यूटेशन जिसे हम इंतकाल कहते हैं डिपार्टमेंट के नाम पे है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी पर भी यहाँ पर थोड़ा सा सवाल जरूर उठेगा, इसलिए कि अगर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में अप्रोच किया गया है उसके बाद उस पर कितना वर्कआउट किया गया है कि साल 1980 से लेकर आज तक भी महकमा जो है अपने 11 कनाल 11 मरलों को हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। उम्मीद करेंगे कि जिला तरक्की अधिकारी कमिश्नर अहमद एसडीएम बानियाल जो है इसमें महकमे के साथ इनिशिएटिव उठाएंगे और वहां पे 11 कनाल 11 मरले का जो सिट्रच है जो महकमा एग्रीकल्चर का उसके साथ में जो विंग है एपीकल्चर जिसे हम कहते हैं जहां पर मधुमक्खियों के लिए जो है एक वो नर्सरी थी उसको पूरी तरह से डिमार्केशन की जाए ताकि वो यानी महकमे को मिल सके और जो नाजायज वहां पे एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। मैं आपको मजीद जायजा इस पर बताने की कोशिश करूंगा, आप हमारे साथ रहिए। महकमा एग्रीकल्चर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जहां पर सरकारी जमीन को पूरी तरह से प्रोटेक्शन की जा रही है, हम बात कर रहे हैं कि महकमा एग्रीकल्चर बानीहाल की जो लैंड है, और सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो आप स्ट्रेच देख रहे हैं
ये वो जमीन है जो महकमा एग्रीकल्चर बानीहाल की थी और इसमें तीन कनाल जो है यहाँ पर एक्वायर की गई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से, जो कि आप ये लिंक रोड देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ में काबिल अफसोस बात यह है कि जो डाउन में हम ये पेड़ आपको दिखा रहे हैं, ये भी महकमा एग्रीकल्चर बानीहाल की ही लैंड है और जिसमें एक प्लेंथ भी बना हुआ है साथ में इन दरख्तों के अंदर। और महकमा एग्रीकल्चर के ऑफिसर के साथ जो हमने बात की, उनका मानना है कि यहाँ पर पूरा म्यूटेशन जो है वो एग्रीकल्चर महकमे का है इस जमीन के ऊपर, लेकिन एग्रीकल्चर महकमा इससे कोसों दूर है। और कहीं ना कहीं पे महकमा एग्रीकल्चर के लोगों का मानना है कि उन्होंने एक बार जो है एक एप्लीकेशन दी है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में कई साल पहले, लेकिन महकमा रेवेन्यू जो है इसमें डिमार्केशन के लिए एक बार आए थे, लेकिन इसको इस लैंड को डिमार्केशन नहीं की गई है। कहीं ना कहीं इसके बीच में कुछ मामलात जरूर है जिससे कि महकमा एग्रीकल्चर बानीहाल पूरी तरह से अपनी जमीन 11 कनाल और 11 मरलों को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह से नाकाम हो गए। लेकिन अगर एक बार एप्लीकेशन दी गई है उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया गया है। साल 1980 से लेकर आज की डेट तक एग्रीकल्चर महकमा बानीहाल जो है अपनी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी को हासिल करने में नाकाम है। और कहीं ना कहीं जहां पर हम सैलरी की बात कर रहे हैं, महकमा एग्रीकल्चर के लोगों को यहां पर सैलरीज भी दी जा रही है ताकि वो इस एपिकल्चर को प्रमोट करे, बेरोजगारी के हवाले से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को इसमें इस जुमरे में लाया जा सकता है। लेकिन जब आप देख रहे हैं, जो आप मंजर देख रहे हैं, जब इस तरह की खस्ताहाली होगी जहाँ पर 11 कनाल 11 मरला जो है महकमा एग्रीकल्चर जो है हासिल करने में लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन ये तासुर दे रहे हैं कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को उन्हें अप्रोच किया, उसके साथ में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो प्लेंथ यहाँ पे है, अब ये महकमा वेरीफाई कर सकता है कि क्या ये नेचर ऑफ लैंड क्या है। लेकिन हम इतना आपको जरूर कहेंगे कि 11 कनाल 11 मरला महकमा एग्रीकल्चर बानीहाल की जो विंग है, जो एपिकल्चर जिसे हम कहते हैं, मधुमक्खी का जो महकमा है जहाँ पर बी कीपिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जरूर ये चीज दर्शाती है कि ये जमीन पूरी तरह से लावारिस है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या कुछ मंजर है। और सवाल ये कि क्या जब जमीन यहाँ पे एक्वायर की गई है तीन कनाल और उसका जो कंपनसेशन महकमा कह रहा है कि उन्हें मिला है, उसके साथ में जो यहाँ पे डैमेज वगैरह है क्या वो महकमे को वो दिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि महकमा एग्रीकल्चर बानीहाल की लापरवाही या जो पूरे जिले को चलाने वाले जो महकमे के लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं पे लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। डॉक्यूमेंटेशन तो होगी है लेकिन इफेक्टिवनेस इसमें जो है अभी नहीं लाई गई है, जिससे कि 11 कनाल 11 मरला महकमा अपने कंट्रोल में कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उम्मीद हम करेंगे कि यहाँ पे महकमा एग्रीकल्चर के लोग और उसके साथ में अगर वो अप्रोच करते हैं रेवेन्यू महकमे को ताकि बानीहाल के अंदर ये जो गोंटेठार के इलाके में 11 कनाल 11 मरला जो महकमा एग्रीकल्चर का है उसकी डिमार्केशन पूरी तरह से की जाए और इसको महकमा अपने पूरे कंट्रोल में ले, और जिसको कि इंतकाल भी है म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं वो 11 कनाल 11 मरले का है। और 11 कनाल 11 मरलों में से इस स्ट्रेच में जो हम रोड आपको दिखा रहे हैं इसमें तीन कनाल का कंपनसेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही और बेहसी का आलम जो है महकमे की तरफ से भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मजीद लोग उसे बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं आपकी वसादत से भाईजान यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है मैं उनको वक्तन फवक्तन जगाने की कोशिश करता हूँ। एग्रीकल्चर की जो लैंड है 11 कनाल एक रकबा है बनिहाल में, मैं मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो ये डिपार्टमेंट है ये कुंभकर्ण की नींद क्यों सोया हुआ है। क्या जिस डिपार्टमेंट में यहाँ के मुलाजिम हैं 20 से 40 लोग जो बनिहाल तहसील में काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की तनख्वाहें तो लेती हैं गवर्नमेंट की तनख्वाहें, मगर अपने फर्ज को अंजाम नहीं देते हैं। बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना चाहता हूँ कि जो 11 कनाल रकबा हॉर्टिकल्चर का है नौगाम एरिया में, एग्रीकल्चर का जो लैंड है यहाँ पे 11 कनाल, मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यहाँ का डिपार्टमेंट उनका जो खासकर अपना डिपार्टमेंट वो क्यों कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है।
फिर मैं यहाँ की इंतज़ामिया से पुरजोर अपील करता हूँ, खासकर डीसी साहब से, यहाँ की इंतज़ामिया से और एलजी साहब से खासकर, कि जो यारा कनाल का रकबा सरकार का किसी लैंड माफिया ने अपने उसमें तहिल में रखा है, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं चाहता हूँ यहाँ तो गरीब को दो मरले नहीं देती है गवर्नमेंट, और फिर यारा कनाल का रकबा जो कांग्रेस का एक चमचा मैं कहूँगा लोगाम में है, वो यारा कनाल का रकबा जो एक ही आदमी ने हड़प करने की कोशिश की है। मैं डिपार्टमेंट को, यहाँ की इंतजामिया को जगाना चाहता हूँ, और खासकर जो उस डिपार्टमेंट में यहाँ के नौजवान काम करते हैं, मैं उनको भी जगाना चाहता हूँ कि वो अपने फर्ज को अंजाम दें, और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ के आम नागरिक की प्रॉपर्टी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग उस बिजनेस में मुसलिक हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने वो हमें दिया था कि ये रकबा यहाँ पे रखा जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के वो जो मधुमक्खी वाला काम करते हैं, जो मतलब शहर का काम करते हैं जी, उनके लिए वो लैंड रखी गई थी कि जब यहाँ फूलों का मौसम होता है इस एरिया में, उन मक्खियों के लिए वो फूल नहीं होते, और वहाँ पे वो स्पेशली एक प्लांट दिया गया था ताकि जो मधुमक्खी वाले लोग हैं जो शहद निकालते हैं उनको प्रॉफिट हो, उनको गवर्नमेंट का लाभ मिले। मगर बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि जो लैंड माफिया है, जो लोगों पे दावा करते हैं कि फलानी गुंडा है, फलानी वो है, फलानी ये है, मगर असली गुंडे जो कांग्रेस ने पाल के रखे हैं, जो सरकार को लूट रहे हैं दो दो हाथों से, और यारा कनाल का रकबा कोई आदमी कोशिश कर रहा है खाने की, तो पिछली सरकारों में ये होता था। चलिए मैं जानने की कोशिश करूंगा कि डिपार्टमेंट के साथ हमने बात की, बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे, आप भी थे, उनका मानना है कि 11 कनाल 11 मरले में से जो है 3 कनाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो है वो लैंड जो है एक्वायर हुई है, वहां से एक अप्रोच रोड जा रहा है जो नवयुगा की तरफ जा रहा है, उसके बाद में जो बाकी जमीन है, तो एग्रीकल्चर के लोगों ने, आप लोगों ने भी बात की, क्या कहा उनने? मुझे तो यही अफसोस से कहना पड़ता है, अगर यहाँ नेशनल प्रोजेक्ट बना तो ठीक है ना, हम नेशनल प्रोजेक्ट के साथ है, मगर जो यहाँ के ऑफिसर साहिबान रह चुके हैं, उन्होंने, मुझे जहाँ तक लगा कि उन्होंने अपने नेशनल हाईवे वालों के साथ, जो नवयुगा कंस्ट्रक्शन है, उनके साथ हाथ मिलाया और उनसे बहुत अच्छे हिसाब में उनकी रकम उन्होंने हड़प की है, और जो 3 कनाल दिखा रहे हैं ये वहाँ से रोड गया, ठीक है अगर वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में गया तो बहुत अच्छा है, मगर साथ साथ जो वहाँ का, वहाँ जो एक बगीचा था, मैं तो बगीचा ही कहूँगा, उसमें तरह तरह के फूल थे जो मधुमक्खियों के काम आता है, उस बगीचे को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। मैं तो शैम कहूँगा उस स्टाफ पे, जो स्टाफ यहाँ गवर्नमेंट के खाते से तनख्वाहें तो लेता है मगर अपने फर्ज को अंजाम नहीं देते हैं। अब आपकी क्या हिकमत अमली रहेगी? हमने तो ये मतलब उसके पूरे पेपर निकाले, हमने कई जगहों पे आरटीआई किया है, और वहाँ से अभी जो रिकॉर्ड आ रहा है उसके बेस पे हम काम कर रहे हैं, और जो बनिहाल में जिन लैंड माफियाओं ने ये लैंड को खाया और किसी के बलबोते पे, किसी के पीठ के पीछे सरकार रकबे को खाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी पब्लिक के सामने रखेंगे। चलो आखिरी में, जिस तरह से एग्रीकल्चर के ऑफिसर का मानना है कि हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अप्रोच किया तो उसके बाद जो है डिमार्केशन के लिए, लेकिन इतने साल गुजर गए अभी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसमें अभी नाकाम है कि आपने जो 11 कनाल 11 मरले का जो रकबा है उसको अभी तक जो है फेंसिंग नहीं किया गया है। बाजार में आपकी वसादत से यहाँ के लोगों को जगाना चाहता हूँ, जो यहाँ के पहले यहाँ के विधायक जी थे हमारे विकार रसूल साहिब, वो जो भी मुलाजिम बात हक की बात करता था तो उसको दबाया जाता था, हक की बात करता तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता था। ये यहाँ पे ना कई सालों से एक रिवाज बना था कि जो भी ऑफिसर पहले आता था वो विकार साहब के दरवाजे पे दस्तखत देता था, उसके बाद उसको मनिहाल में ड्यूटी करनी होती थी। मगर अगर ये पिछले सदियों से ये गवर्नमेंट का रकबा था, 11 कनाल कौन सी गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी कि 11 कनाल एक आम आदमी जो एक तांत्रे के नाम से नौगाम में रहता है, उसको किसने इजाज़त दी कि सरकार के एरिया में आप प्लांट डालें, सरकार के एरिया को आप हड़प करें,
ताकि उसको किसी से बैग थी, वो हाजी या अपने विकार रसूल साहिब की बैग थी उसको। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर सरकार का रकबा है तो उसमें कैसे कोई आदमी मकान बना सकता है, कैसे उस लैंड को खाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं मनिहाल के लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ सरकार की जगहें हैं वो हम इंशाल्लाह हासिल करके रहेंगे और वो आम लोगों के काम वो लैंड आनी चाहिए। It's called Eddie.